सवाल ये कि दोस्त हुआ वेरी सीजन एग्जामिनर, उनके भी प्रॉब्लम है कि वो भी एक रूटीन से फिर देखने लगते हैं पूरी पूरी चीज़ को, वो पढ़ते नहीं हैं। प्रॉब्लम क्या है कई बार आपकी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी लेटेस्ट है वो भी लिखो और थोड़ा पुराना भी लिखो, कि ये जो घिसे पिटे एग्जामिनर है ना वो ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं कि अब ये क्या होगा। ये ट्रिपल तलाक के बारे में उनको ये विमेंस ऑर्गेनाइजेशन की बात पता नहीं होगी कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 1,00,000 मेंबर है। तो आप लिख सकते हो कि देर इज ए सच टाइप ऑफ मुस्लिम वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव 1,00,000 मेंबर। तो बोलेगा कि ये क्या है, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। लेकिन उसके साथ आप ट्रेडिशनल भी कुछ दूसरा है पुराना, वो चीज़ भी उसमें डालिए जिसको उसको लगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, वो उसने भी पढ़ा है, लेकिन आपने जो पढ़ा है वो उसने नहीं पढ़ा होगा। कई बार ऐसा होता है कि वो उसने नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी वो जो अपनी जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर जिसके ऊपर FIR हुआ, क्या नाम, छत्तीसगढ़, हाँ सुंदर, हाँ हाँ राइट। तो फॉर एग्जांपल इफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए आपको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वट एवर ऐसा कुछ क्वेश्चन, और आप उसमें ये सुंदर का नाम डाल दो, तो हमारे कई प्रोफेसर होंगे उसको पता नहीं कि सुंदर कौन है, नहीं दे डोंट नो कि हु इज सुंदर, लेकिन सी इज द लेडी हु इज राइटिंग अबाउट नक्सलाइट एंड योर, उसको उसके ऊपर FIR हुआ परसों, एंड सी इज राइटिंग इन EPW एंड हिंदू, उसके कई बार उसके आर्टिकल्स ये सुंदर के आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना नया जानते हो कंटेम्पररी जो डेवलपमेंट हो रही है सब्जेक्ट में और इश्यू में बेसिकली, उसको डालिए और थोड़ा कन्वेंशनल भी उस पर डालिए, जिससे क्या होगा कि वो उसको शॉक ना लगे कि यार ये तो मैं तो बुद्धू लगता हूँ और ये लोग कहाँ से ये नाम उठा के लाए, उसको भी पता ही नहीं है। ऐसा मैं आपको एक ऐसा बहुत लाइटली एग्जांपल देता हूँ, हमारे सोशियोलॉजी में गुजराती जो पेपर आते हैं उसमें बहुत सारों से स्टूडेंट्स दिखते हैं, प्रोफेसर गोपाल ने ऐसा कहा है। मैं जब पढ़ता था बिफोर 40 ईयर्स तब भी ये गोपाल नाम का कोई प्राणी था, आज भी है तो ये गोपाल नाम का कोई प्रोफेसर है ही नहीं, कोई आज भी नहीं है, तो पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रोफेसर गोपाल है कहूँ, ये कौन से गोपाल मने खबर नहीं, कोई ने पूछा गोपाल तक मन नहीं खबर, हैव यू सीन एनी बुक ऑन गोपाल, तो कहने मुझे नहीं पता है कोई गोपाल नाम का, कोई कहाँ से किसी को लेके आए, वो गोपाल लिखते रहे थे 40 साल, 4 decades हो गए गोपाल नहीं जाता है, अभी वो उसमें आ ही जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू। फिर कई बार क्या होता है कि नाम और ऑर्गेनाइजेशन पे हम गड़बड़ कर देते हैं लिखने में। मैं एक पर्सनल मेरा एग्जांपल, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ कि भाई ये OBC कमीशन है उसमें मैं मेंबर हूँ, और OBC कमीशन कैसे फंक्शन करता है वो हमको पढ़ाने में आता है। तो वो क्या लिख देते हैं कि गुजरात ना अन्य पछात वर्गना कमीशन ना चेयरमैन गौरांग जानिया हम कैसे, सो मुझे चेयरमैन चेयरपर्सन बना देते हैं, एक्चुअली आई एम नॉट ए चेयरपर्सन, आई एम ए पार्ट ऑफ इट। तो वो उसमें लिख देते हैं वो लोग। तो कई बार क्या होता है कि अब दो ऐसे लोगों को मिला है और लिखे और वो जो पकड़ा जाए तो फिर आपकी पूरी इंप्रेशन का बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये भी एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप नाम उसमें ड्रॉप कर रहे हो वो नाम बहुत परफेक्ट होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन परफेक्ट होना चाहिए, ये कॉन्टेक्स्ट उसका परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो मत डालो। देर इज़ नो नीड ऑफ कि नाम आप डाला डालो और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालो, देर इज़ नो नीड। लेकिन आप उसमें डालते हो तो देन वो पूरा सही होना चाहिए, तो उससे एक इंप्रेशन भी उससे होती है। लेकिन फॉरगेट अबाउट द एग्जामिनर, मैं बोलता हूँ आप एग्जामिनर को भूल जाओ, ऐसा मान लो कि एग्जामिनर है ही नहीं, एंड आपको क्या लिखना है, हाउ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इशू, उसे इसी को आप कॉन्सेंट्रेट करो। सर कई बार सोशियोलॉजिस्ट का नाम नहीं पता, थ्योरी पता है, उनके कॉन्सेप्ट्स पता है, तो मतलब इसको कैसे, क्योंकि पर्टिकुलर स्कूल ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट आर्ग्यूज दैट दिस इज थ्योरी, मतलब नाम नहीं पता है, नाम नहीं चलता है। लेकिन आप ऐसा बोलते हो कि अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिस्ट और अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट द इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और कॉन्फ्लिक्ट इज ए कॉन्फ्लिक्ट हैज ए फंक्शनल वैल्यू इन सोसाइटी, सो कॉन्फ्लिक्ट हैज ए फंक्शनल वैल्यू इन सोसाइटी आप देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट तो चलेगा, देर इज नो इश्यू। ऐसा कोई और आप लिखे कि पर पॉजिटिविस्ट थियरीज ऐसा बोलते हैं तो चलेगा, और सिंबॉलिक आप भूल गए कि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में मीट भूल गए आप, फॉर एग्जांपल आपको मीट पता नहीं है, उसका सेल्फ के बारे में पता नहीं है,
तो आप यू कैन राइट के ये जो पर्टिकुलर जो ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, वो सेल्फ और आई और मी में वो डिफरेंशिएट करते हैं वगैरह वगैरह, तो चलेगा क्योंकि दो में से एक तो पता होना चाहिए आपको।